सोनी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रविंद्र जैन। टुडे वी स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर वी रीड व्हाट इज फूड। सो स्टूडेंट, फूड इज ए सब्सटेंस दैट वी ईटन बाय अस टू डू वर्क ग्रोथ एंड मेंशन अवर बॉडी। इन दिस चैप्टर वी रीड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सेवन टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट वी रीड न्यूट्रिएंट्स डिफाइंड, ए सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट। यानी बेटा न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लाइफ जो सिस्टम होता है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं और हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इनके सेवन टाइप्स होते हैं, मैंने आपको डिस्कस रूप से यहाँ समझाया गया है। फर्स्ट है जैसे कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, सिक्स वाटर, सेवन रफेज। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी देते हैं, यानी हम जब भी कुछ कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, ब्रेड, वीट, हनी, शुगर, जैम, नूडल्स एक्सेट्रा। यानी बेटा सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें पाया जाता है, पोटैटो यानी आलू में। सेकंड फैट्स, एनर्जी गिविंग फूड, मोर एनर्जी गिविंग देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी बेटा जो फैट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी पाई जाती है किसमें, फैट्स में। जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने बटर, घी, मिल्क, चीज यानी पनीर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। थर्ड प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी बेटा प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने देखा होगा कभी जिम वगैरह जिसमें जाते हैं, जब प्रोटीन्स के जो पाउडर होते हैं उनके रूप में हम उनको लेते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। तो प्रोटीन हेल्प द बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। जो प्रोटीन होती है बेटा वो हेल्प करती है किसमें, हमारी ग्रोथ वृद्धि को बढ़ाने में, एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में। यानी कोई भी हमारे अंदर डिसीज वगैरह हो जाती है उनकी प्रोटेक्ट करती है, तो इट प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज एंड इन्फेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज या बीमारी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उनसे लड़ने में मदद करती है। तो एग्जाम्पल पल्सेज, जैसे सोयाबीन, पीज, ये जो दालें होती है हमारी, मिल्क, मीट, चिकन, एग्स एक्सेट्रा। फोर्थ विटामिन्स, दे आर नाइदर एनर्जी गिविंग नॉर बॉडी बिल्डिंग फूड्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। यानी बेटा ये ना तो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ना ही क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बट ये क्या होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग बनाए रखते हैं किसका, हमारी बॉडी का। यानी जो हम कुछ भी वर्क करते हैं उस वर्क में हमारी विटामिन्स क्या करती हैं, बॉडी को मेंटेन बनाए रखती हैं। तो वी नीड विटामिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी हमें जो विटामिन की जरूरत होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। यानी थोड़ी सी ही विटामिन मिलने से हमें क्या मिल जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी के लिए। जैसे एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स, फल होते हैं, मिल्क है, एग्स है एक्सेट्रा। फिफ्थ मिनरल्स, अवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। यानी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो मिनरल्स होते हैं बेटा उनकी जरूरत होती है बिल्ड बॉडी बोन्स, यानी जो हमारे शरीर के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं उनकी मजबूती के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए यानी सर्कुलेशन के लिए और टीथ के लिए। एग्जाम्पल मिल्क, बनाना, फ्रूट, साल्ट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सिक्स वाटर, जैसा कि बेटा वाटर के बारे में आप सब जानते हो, वाटर प्रोवाइड्स ए लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एंड मूव विद इन द बॉडी। यानी वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है और डिजॉल्व यानी घोल देता है भोजन वगैरह को किसमें, हमारी बॉडी के अंदर। तो वाटर डिजॉल्व द डाइजेस्टेड फूड विच देन पासेस इनटू ब्लड। यानी ये पचित भोजन को
किस में घुलने का काम करता है? ब्लड में. वाटर कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. वाटर कंट्रोल करता है, नियंत्रित बनाए रखता है हमारी बॉडी के किसको? टेम्परेचर को, तापमान को. टू गेट रिड ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्टेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है. नेक्स्ट, अवर बॉडी नीड्स 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. यानी बेटा हमारी बॉडी के लिए 2 से 3 liters पानी की डेली क्या होती है? जरूरत होती है. इसलिए हमें डेली 2 से 3 liters पानी पीना चाहिए. 7. रफीज, इट इज फाउंड इन वेजिटेबल्स. यानी ये किस में पाया जाता है बेटा? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, जो अलग तरह के अनाज होते हैं. फाइबर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी बेटा जो रफीज होता है उसे अदर नेम डाइटरी फाइबर के नेम से भी जाना जाता है. प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज. यानी ये कब्ज में भी हमारी हेल्प करता है. एंड इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इससे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा पाचन तंत्र का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर रूप से चलता रहता है. सो स्टूडेंट्स, क्लियर? यानी 7 types अपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.